दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9. ताकि आपको कोविड 19 के बारे में मालूम है कि किस तरह से सभी लोग त्रस्त है, ग्रस्त है, परेशान हो रखे हैं, दुखी हो रखे हैं. हर तरह से लोग बाग दुखी हैं, परेशान हैं. कमाने के लिए कुछ ना कुछ रोजगार व धंधे की ज़रूरत पड़ती है. सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं. प्राइवेट स्कूल में भी उसमें से एक है जो त्रस्त है, जिनकी फीस मार्च से अभी तक नहीं आई है और अभिभावकों को जिस तरह से बोला जाता है और फिर वो धमकियाँ देते हैं और एक कमाई का जरिया मानते हैं प्राइवेट स्कूलों को, वो बिल्कुल गलत है. तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस समय अनुसार जो भी आपने बताया उसके हिसाब से मिलनी चाहिए, और वो नहीं मिल रही है तो उनका खर्चा, लाइट पानी के बिल, किराया वगैरह जो भी होता है, तो वो किस तरह से चुकाया जाए. तो हमारी सरकार से यही है निवेदन है कि आर्थिक कोई सहयोग या पैकेज दिया जाए जिससे कि हम प्राइवेट स्कूलों को, संचालकों को किसी तरह की गाज न गिरे और बंद नहीं होवे. हम यही चाहते हैं सरकार से कुछ ना कुछ सहयोग रूप में दिया जाए. अशोक कश्यप, महासचिव, अजमेर. आज प्रेस के माध्यम से हम आपको ये सूचना देना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल संचालक बहुत ही पीड़ा में है, और इस वक्त आप देखिए कि कोविड 19 की मार के वजह से सबसे पहले स्कूलों को बंद कराया है, जो कि 14 मार्च से लेकर के अभी तक भी बंद है और आगे भी इसका खुलने का कोई पता नहीं है. गवर्नमेंट ने कोई सही रीति से गाइडलाइंस दी नहीं है, जिस वजह से हमारी फीसें रुकी हुई है. पेरेंट्स स्कूलों तक संपर्क कर नहीं रहे हैं, रिजल्ट लेने के लिए बोल दिया है लेकिन रिजल्ट लेने आ नहीं रहे हैं, और इस वजह से स्कूलें बहुत पीड़ित है, पीड़ा में हैं, जिनकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है. सरकार को कई बार हमने ज्ञापन से और अलग अलग मीडिया से हमने उनको अवगत कराया कि प्राइवेट स्कूलों के प्रति भी कुछ संवेदना व्यक्त करें, कुछ भलाई उनको दिखाएं, उनको कुछ जो है सुविधा दें, कुछ पैकेज दें, या उनका जो पैसा रुका हुआ है वो रिलीज़ करें. आप देखिए कि हर वक्त हम उनको बताते हैं, कहीं ना कहीं वो तकनीकी खामी, कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम बता करके हमारे स्कूल के पैसे रोक दिए जाते हैं. इससे जो संचालक लोग हैं कई तरह से पीड़ित हैं, और आए दिन चाहे सांसद महोदय हो, चाहे विधायक महोदय हो, चाहे कोई भी महोदय हो, हमेशा कहते हैं कि भैया 3 महीने की फ़ीस माफ़ की जाए. उनसे पूछो क्या हमारा चूल्हा तुम जलाओगे, हम कैसे हमारा भरण पोषण करेंगे. आज हमारे स्कूल वालों की स्थिति देखो कि 3 महीने से ना तो बेचारे वो कहीं जा सकते हैं, ना किसी से मांग सकते हैं. यहाँ तक कि कईयों ने सब्जी बेच करके, कईयों ने कई और छोटे मोटे धंधे करके अपने पेट भरने का इंतज़ाम किए हैं. और मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस वक्त सचमुच में स्कूल्स जितनी पीड़ित है, मैं समझता हूँ और कोई पीड़ित नहीं है. क्योंकि कोई भी समस्या आती तो सबसे पहले स्कूलों पर गाज गिरती है. क्या आप केवल स्कूलों में ही डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम पालना करवाना चाहते हैं? शराब के ठेके खोले गए, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी. अभी देखो तंबाकू गुटखा उत्पादन बेचने के काम किया, उसके अंदर सब जगह जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी गई. और भी कई चीज़ें खोली जाती है, हर एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग का जो है माहौल उड़ाया जाता है. चाहे वो ट्रेनें चलाई हो, चाहे बसेस चलाई हो, चाहे टैक्सी चलाए हो, चाहे ऑफिसें खोली हो, हर जगह इस चीज़ का नज़रअंदाज किया गया है. और हम जो स्कूल वाले, एक छोटा सा भी फरमान आता है इतने डर करके सरकार की गाइडलाइन का पालना करते हैं, सरकार का कहना मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है हम प्राइवेट स्कूल वालों की चिंता नहीं करती.